गुड इवनिंग एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। और आज स्टैट प्रो का है डे 4, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ई टाइप का मॉड्यूल है, कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, वैसे ही हम स्टैट का चलते हैं। तो स्टैट का मॉड्यूल ये है मेरे पास, पहले भी मैं इस मॉड्यूल की वीडियो डाल चुका हूँ बट वो विदाउट ऑडियो है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले स्टैट प्रो इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ मैं आपको फर्स्ट वीडियो में। ये एक स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद मैंने बताया था आपको एडिटर क्या होता है। उसके बाद लोकल ग्लोबल में ई टाइप में बता चुका हूँ। ग्लोबल कोऑर्डिनेट वो होते हैं जो पूरे एक स्ट्रक्चर की पोजिशन और डायमेंशन डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट्स लोकल कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं जो आपको किसी एलिमेंट के कोऑर्डिनेट होते हैं अपने खुद के। न्यू प्रोजेक्ट, यूनिट सिस्टम, मॉडलिंग, क्रिएटिंग नोट्स एंड मेंबर बाय एडिटर, ये हो चुका है आपका लास्ट वीडियोस में। अब नेक्स्ट है आपका GUI। GUI ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि अब हम जो काम करेंगे वो माउस और कीबोर्ड की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहला टूल आता है आपका ट्रांसलेशनल रिपीट टूल, तो आज इसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैट प्रो मेरा ऑन है, मैंने न्यू प्रोजेक्ट किया स्पेस डे 4। यूनिट मैंने लिए मीटर एंड किलोन्यूटर। नेक्स्ट एड बीम, एड बीम पता है आपको, बता चुका हूँ, इससे हमारा जो कर्सर ऑटोमेटिक बीम बनाएगा। फिनिश, फिनिश करते के साथ ही जो सबसे पहली चीज आपको विंडो पे दिखाई देती है वो है आपका ये ग्रिड सिस्टम। तो पहले इस ग्रिड सिस्टम की ही बात कर लेते हैं। देखिए, इस ग्रिड सिस्टम ये आ गई और मेरा कर्सर जो है उसे ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि हमने एड बीम सेलेक्ट किया था। तो मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो बीम बन जाएगा और एस्केप बटन से नॉर्मल कर्सर बन जाएगा और मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ कीबोर्ड से। ठीक है, तो ये ग्रिड है। अगर आपको कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टार्ट करना है, तो आप ग्रिड से बना सकते हो। 3D बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा आपको ग्रिड से, तो हम ग्रिड का ज़्यादा यूज करते नहीं है। वैसे ग्रिड ऑन ऑफ आपकी यहाँ से होती है, अगर ग्रिड चले जाए तो। और जैसे ही आप ग्रिड को ऑफ करते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चेंज आता है। जैसे ऑन करते हो तो यहाँ पे एक और विंडो आ जाती है। ये विंडो है आपकी ग्रिड की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम ग्रिड को समझ लेते हैं, ग्रिड की प्रॉपर्टी है। यहाँ से ग्रिड हाइड हो सकती है और फिर ऑन हो जाएगी। एक और ग्रिड बनाना चाहे तो हम यहाँ से क्रेट पे बना सकते हैं। क्रेट मैं चाहता हूँ यहाँ ग्रिड 2, मैंने टाइटल डाला ग्रिड 2 यहाँ पे देखिए, और ओके कर दिया तो यहाँ पे ग्रिड 2 आ गई। ठीक है, अब ग्रिड 1 है, उसमें क्रिएट किया हमने। क्रिएट के बाद आता है एडिटिंग। क्रिएट में और भी टूल्स आ रहे हैं, वो एडिटिंग में मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें क्या हैं। तो एडिटिंग में जाते हैं, देखिए वही चीज़ें आ गई। सबसे पहले है कि ग्रिड आप कौन से प्लेन में रखना चाहते हो। अभी देखिए, हमारी जो ग्रिड का हाइट है वो है वाई में और जो विड्थ है वो एक्स में। कौन सा प्लेन है आपका? XY। यहाँ पे सिलेक्ट है, मैं चाहता हूँ एक्स और जेड हो जाए। देखिए एक्स और जेड प्लान हो गया। एड में गया, मैं चाहता हूँ YZ हो जाए, तो YZ हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लान है हमारे। उसके बाद एंगल, हम चाहता हूँ कि XY एक्सिस, यानी कि ये लाइन इसके अबाउट हमारी जो ग्रिड है थोड़ी टिल्ट हो जाए। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 30 डिग्री टिल्ट हो जाए। देखिए 30 डिग्री टिल्ट हो गई, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारी 1, 2, 3, 4 नंबर्स डिले होते हुए चेंज हो गए हैं, क्योंकि ये हमारे इंक्लाइंड डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको 0, 0 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, अब सीधा हो जाएगा। फिर एडिट में जाते हैं, उसके बाद ये पूछ रहा है ओरिजिन कहाँ रखना है। हमने 0, 0 पे ओरिजिन रखा है, मैं चाहता हूँ -2 हो ओरिजिन एक्स में। तो देखिए -2 पे ओरिजिन पहुँच गया, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3। इन सब की जरूरत इतनी पड़ती नहीं है, इसे देख लेते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि एक्स के लेफ्ट में कितने हैं और राइट में कितने बार्स हैं, 1, 2, 3 डिविजन्स हैं। तो एक्स के राइट में 10 है और एक्स के लेफ्ट में 0। अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ, देखिए ना, एक्स के लेफ्ट में माइनस रीडिंग में ये चलते जाते हैं, और इसी तरह हमारा अब वाई में है। देखिए ओरिजिन मेरा यहाँ पहुँच गया, क्योंकि हमने वाई में डाउनवर्ड में हमने बढ़ा दिए और अपवर्ड में तो पहले से 10 थे। इसी तरह हमारे एक्स में पहले से 10 थे और एक्स में माइनस में
10, 4, 5 कुछ बढ़ा दिए, तो इनकी भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जीरो रखते हैं। ये एंगल है किस एंगल पे एस्क्यू, देखिए मैं अगर 10 डिग्री डालता हूँ तो 10 डिग्री पे एस्क्यू हो जाती है, इसकी भी खास ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ये इंपोर्ट है, आप ग्रिड इंपोर्ट कर सकते हो। डी एक्स एम फैसले बता चुका हूँ, ऑटो कैड का फाइल का एक फॉर्मेट है, अलग से आपको सेव करना होता है तो इम्पोर्ट हो सकता है। ये वही चीज़ है, आपको कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये नंबरिंग चाहिए और ये कौन से कोऑर्डिनेट के अलाउंग चाहिए। तो ये था हमारा ग्रिड को क्लोज कर देते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रांसलेट टूल की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जीयूआई में कितने तरीके से मॉडल बना सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका ग्रिड ऑन कर दिया, आपका माउस जाता है और हम ऐसे ड्रॉ करके बना सकते हैं, बट इससे हम 2D ही बना सकते हैं, लिमिटेशन है इसकी कुछ, हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बना, तो हम ग्रिड का कम ही यूज़ करते हैं। देखिए मैंने स्कैप बटन दबाया, सेलेक्ट करी और डिलीट कर दी सारे बीम्स। तो एक तरीका आपका ग्रिड से है, दूसरा तरीका है आपको ग्रिड को क्लोज कर दोगे तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट पहले से बना हुआ, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ एक टेबल आती है, हमें अगर मैं 0 एंटर एंटर करूँ तो एक नोड बन जाएगा, यहाँ दोबारा मैं 10 00 करूँ 10 मीटर पर एक नोड बन जाएगा, और यहाँ पे मैं करता हूँ नोड 1 कनेक्ट नोड 2 तो एंटर बीम बन जाएगा। सेम एज एडिटर, जैसा एडिटर में हम टाइप करते थे कमांड देके, वैसे यहाँ पे टाइप करना है। तो दूसरा तरीका हो गया फर्स्ट ग्रिड, सेकेंड ये, और थर्ड है आपका ट्रांसलेट टूल। देखिए ट्रांसलेट टूल कैसे यूज़ करेंगे। ट्रांसलेट टूल की कंडीशन है कि आपके पास एक नोड तो होना ही चाहिए, तो हम एक नोड कैसे बनाएं, यहाँ पे 00 टाइप कर देते हैं, एक नोड बन जाएगा, ये एक नोड बन गया। अब देखिए इस नोट से हम कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इस नोट को सिलेक्ट करूंगा, अभी ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कर्सर भी नोड वाला चाहिए। तो यहाँ देखो आप नोड वाला एक कर्सर है, इस पर क्लिक किया और मैं इसको सिलेक्ट किया, रेड हो गया, मैंने सिलेक्ट हो गया। अब ट्रांसलेट रिपीट टूल आपका ये है, इस पर क्लिक किया और इसको आप ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि मैं इस नोट से किस डायरेक्शन में स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, एक्स में, मैंने चूज किया एक्स। और कितने स्टेप्स, कितने मेंबर्स बने, मैं चाहता हूँ 3, और हर किसी की स्पेसिंग कितनी हो, 4 मीटर, और लिंक भी हो जाए, ओके, फिर ओके कर दो। देखिए मैंने चूज किया था 4 स्टेप, तो 1 2 3 और एक खुद का इसका 4, और स्पेसिंग कितनी थी इसमें, 4 मीटर। देखिए तो मैंने दोबारा सिलेक्ट किया, अब मैंने इस नोट को सिलेक्ट किया नोट कर्सर से, इस नोट को, और मैं जेड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैं चाहता हूँ 2 स्टेप हो, स्पेसिंग हो 10 मीटर। और लिंक पे क्लिक नहीं करोगे तो देखो क्या होगा, केवल नोट बनेंगे, बीम नहीं बनेंगे। तो अगर हम ट्रांसलेट टूल पे गए, जेड डायरेक्शन और लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे स्टेप 2 डाले, ओके, ये देखिए मैं चाहता हूँ ये पूरी लाइन ऐसे ट्रांसलेट हो, तो मैंने पूरी लाइन सेलेक्ट करी और मैंने एक्स डायरेक्शन में 3 स्टेप, स्पेसिंग 3 2, लिंक किया, ओके, ये देखिए पूरी लाइन ट्रांसलेट हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी चीजें हैं। ये तो डायरेक्शन हो गई, जिस डायरेक्शन में आपको जॉइंट मूव कराना है, मतलब कॉपी करना है या फिर लाइन कॉपी करनी है, नंबर ऑफ स्टेप हो गए। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये वाला बीम हमारा ऐसे मूव करे अलग अलग स्पेसिंग पे, तो मैंने यहाँ डाला 4 स्टेप, यानी कि बीम 4 बार ऐसे आए और लिंक भी होता जाए ये वाले मेंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 डाला और स्पेसिंग 5 है, तो ऊपर देखिए 4 स्टेप आ रहे हैं। मैं यहाँ से मैनुअली स्पेसिंग चेंज करता हूँ, 3 इसकी 2 कर देता हूँ, लिंक, ओके। तो देखिए सो डायरेक्शन मैंने जेड सेलेक्ट करनी चाहिए थी मुझे, तो 5 स्टेप अलग अलग इनकी डाल देता हूँ, स्पेसिंग 4 3 2 1, जेड डायरेक्शन लिंक किया मैंने, ओके, ये देखिए देखिए 5 4 3 2 1। ठीक है, ये जो लिंक पे क्लिक करते हैं ना, ये जो लिंक है, ये जो आपका लिंक है, इससे ये वाले मेंबर बनते हैं। लाइन तो जो हमने सेलेक्ट किया वो तो कॉपी होता है, देखिए ये लाइन यहाँ से यहाँ कॉपी हो गई, फिर ये लाइन यहाँ से यहाँ कॉपी हो गई, फिर ये लाइन यहाँ से यहाँ, नंबर ऑफ स्टेप जो और जो स्पेसिंग हमने दिए। बट ये वाले जो बीम्स हैं ये लिंक से बनते हैं। एक बार इसको करके देख लेते हैं, अंडो करके हम इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेम मैं जेड में ट्रांसलेट करूंगा, सेम 5 स्टेप और वही सेम स्पेसिंग, और लिंक नहीं करूंगा, तो देखिए क्या होगा, केवल वो बीम रिपीट हुआ है, लिंक नहीं हुआ मेंबर्स।
ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या है। तो ये तीनों चीज समझ में आ गई आपको, ग्लोबल डायरेक्शंस ये आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये मैनुअली स्पेसिंग चेंज करनी है। तो यहाँ पे देखिए ऑल का मतलब क्या है, इस बीम को अगर पहले से कुछ लोअर प्रॉपर्टी दी हुई है तो जो भी इससे नए बीम बनेंगे उन सब पे वही प्रॉपर्टी आ जाएगी। इससे केवल ज्योमेट्री आएगी, क्रॉस सेक्शन आएगा, इससे ज्योमेट्री प्लस प्रॉपर्टी आएगी। तो हम ऑल पे क्लिक करते हैं, जैसा हम करना है वैसा हम कर सकते हैं। लिंक समझ में आ गया। अब दो चीज रह गई आपकी, री नंबर बे और ओपन बे। तो आपको बता दूं मैं इस स्टैट प्रो में हर एक नोड्स का जॉइंट का नंबर होता है और हर एक मेंबर का अपना एक नंबर होता है, ठीक है। उससे हम उसकी एक आइडेंटिफाई होती है, आइडेंटिटी होती है नंबर। तो क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो हमारा नया मेंबर बने उसकी हम नंबरिंग कुछ और हो। जैसे कि अगर हम शिफ्ट प्लस बी प्रेस करें तो बीम्स के नंबर आते हैं। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो जो मैक्सिमम बीम का नंबर है 19, तो यहाँ से जो नेक्स्ट बनेगा वो 20, 21, 22 बनेगा ऐसे। टू स्टेप प्लेन जेड जेड न्यूआ सॉरी टू स्टेप प्लेन जेड। तो देखिए यहाँ आया 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे उस नंबर के बाद स्टार्ट हो गया। पर मैं चाहता हूँ कि ये नंबरिंग ना हो, नंबरिंग कुछ और हो। तो मैंने क्या किया, ट्रांसलेट इन जेड टू स्टेप और यहाँ पे री नंबर पे करा और मैंने यहाँ डाला 100 और 200, ये नंबरिंग हो। अब मैं लिंक पे क्लिक करके ओके करता हूँ। तो देखिए ये 100 है 200 है और ये आपको 101, 102, इस तरह से नंबरिंग चेंज हो सकती है। अब दोबारा चलते हैं ट्रांसलेट टूल पे, लास्ट है ओपन बेस। इसको समझाने के लिए मुझे स्ट्रक्चर डिलीट करना होगा और एक जॉइंट बनाना होगा। सबसे पहले मैं कोई कॉलम बनाना है, नोट कर्सर से मैंने सेलेक्ट किया और ट्रांसलेट किया वाई में 5 मीटर लिंक, ओके। ठीक है, अब मैं इस मेंबर को इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऊपर तो बीम बनते जाए नीचे ना बने। तो देखिए मैंने लिया, मैंने एक्स डायरेक्शन में कुछ स्टेप है 5 मीटर लिंक किया और ओपन बेस ऑन हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा, ऊपर तो ये बीम बन गए लिंक से पर नीचे नहीं बने। अगर मैं ओपन बेस नहीं करता तो देखिए क्या होता है, लिंक ओपन बेस पे क्लिक नहीं कर रहा हूं मैं, देखिए नीचे भी कनेक्शन हो जाते हैं। तो ये था आपका ट्रांसलेट टूल। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ना बताई हो, सारी चीज बता चुके हैं। और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद नेक्स्ट टूल हम ट्रांसलेट टिपी टूल, जितने भी टूल दिखाई दे रहे हैं की बात करेंगे, तभी आप सॉफ्टवेयर को सही से समझ पाओगे और कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो यही है आपकी, थैंक यू।